सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत। कुछ सिखा कर यह दौर भी निकल जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना हो इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। आज का पंचांग 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम 4:27 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 9:27 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:53 से 11:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रात्रि 3:32 तक रहेंगे। इसके उपरांत कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार, आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसीलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपनी खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। संपत्ति संबंधित कोई मामला चल रहा है तो आज उसका समाधान आपसी सहमति से मिल सकता है। रहन सहन को और अधिक उत्तम बनाने हेतु कुछ संकल्प करेंगे। कार्यशैली में भी नवीनता आएगी। युवाओं को इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने से मानसिक सुकून रहेगा। लोगों के साथ बातचीत कम होने की वजह से चिंता बढ़ सकती है। नाराजगी का कारण ढूंढने की कोशिश करें। प्रयासों में सतर्कता ना होने की वजह से परिस्थिति में बदलाव होना थोड़ा मुश्किल है। आप अपने लक्ष्य से क्यों भटक रहे हैं इस बात का अवलोकन करें। अपने काम को अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उषा में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। पार्टनर आपको प्रेरित करते रहेंगे लेकिन हर बार पार्टनर से ही प्रेरणा प्राप्त हो ये अपेक्षा ना रखें। सावधानियां, किसी सहयोगी अथवा रिश्तेदार के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। ज्यादा बोलने की वजह से स्वयं अपनी ही बात में फंस जाएंगे। यात्रा में कोई कष्ट या परेशानी उठानी पड़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पार्टनर के साथ कुछ समय एक साथ घूमने फिरने या डिनर आदि का प्रोग्राम बनाएं। दोस्तों के साथ व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। बहुत सारे प्रेमियों में से छांटकर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय व्यर्थ ना करें। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है लेकिन इस समय आपकी किस्मत के साथ ना देने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा। जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। बात करते हैं करियर की। आज सितारे उन लोगों के पक्ष में हैं जो कि अचल संपत्ति में या निर्माण व्यवसाय में है। खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का अवसर आपको घर की खरीद में मिल सकता है। इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देगा। अच्छे परिणाम के लिए आप आज अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। इस समय व्यवसाय तथा नौकरी में लाभदायक स्थितियाँ बन रही है। कोई लिया गया निर्णय सकारात्मक रहेगा। कोई उत्तम डील भी होने की संभावना है। युवाओं को रोजगार के उचित अवसर सुलभ होंगे। बात करते हैं सेहत की। आप चीज़ों को धीरज और तसल्ली से पूरा करते हैं लेकिन आप खुद में ऊर्जा का अचानक प्रवाह दिखाने से भी नहीं हिचकते।
इससे आसपास सभी को अचरज ही होगा। आपकी त्वचा की भी यही प्रवृत्ति है। एक समय तो यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती है और जल्द ही किल मुहासों से भर जाती है। हर रोज खूब सारा पानी पिए। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को नीले फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।